नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी में योगी कैबिनेट की पहली बैठक आज। किसानों के कर्ज माफी और बिजली कटौती को लेकर फैसले ले सकते हैं सीएम आदित्यनाथ योगी। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने की तैयारी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, फीस और पाठ्यक्रम पर बनेगी नई योजना। जेटली मानहानि केस में सरकारी खर्चे से केस लड़ने की तैयारी में जुटे केजरीवाल। दिल्ली सरकार ने एलजी को लिखा खत, राम जेठमलानी की फीस के लिए मांगे 3,86,00,000 रुपए। एलजी ने केंद्र को भेजी फाइल। विवाद बढ़ता देख रोमियो कृष्ण वाले ट्वीट पर वकील प्रशांत भूषण ने मांगी माफी। कहा, मुझे एहसास हुआ लोगों की भावनाओं को पहुंची ठेस। भूषण ने रोमियो की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की थी। नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल में ट्रांसफर करने के खिलाफ अतीक अहमद की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट से दखल देने की है मांग। अतीक अहमद ने कहा, परेशान करने के लिए लिया गया फैसला। नहीं रही मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख। नोएडा में आग का तांडव, सेक्टर 63 में दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सिंगापुर में भारतीय इमाम की विवादित टिप्पणी से गरमाया माहौल। सरकार ने देश से निकालने का सुनाया फरमान। इमाम मोहम्मद अब्दुल जमील ने ईसाई और यहूदियों पर की थी विवादित टिप्पणी। और महाअष्टमी आज। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।